नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी 80-20, 80 और 20 गणित। उत्तर प्रदेश में यही सुन रहे हैं ना, 80 और 20 का गणित। अब एक नया गणित आया है, ये तो बीजेपी का गणित है 80 और 20 का। सपा का गणित है 85 और 15। याद कीजिए, आपको योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था कि 80 और 20 की लड़ाई है, अब सपा की लड़ाई जो सपा कह रही है, पिछड़े और दलित का जिक्र करते हुए, मुसलमान का जिक्र करते हुए 85 और 15 की लड़ाई से बता रही। लेकिन आज मैं 80-20 और 85-15, 80+20 100, 85+15 100। तो हम 80 और 20, 85 और 15 की बात क्यों करें? पूरे देश की मीडिया तो इस पर चर्चा कर रही है, तो हम 80 और 20 और 85 और 15 का जिक्र क्यों करें? मैं आज 100 का जिक्र करूंगा, 100% का। आप कहेंगे कि हमारे देश की मीडिया तो दिखा रही है कि ये लड़ाई 80 और 20 की है। अब आज सपा ने मंडल वाला दाव खेल दिया है, मंडल पार्ट टू वाला। आप 100 का जिक्र कहां से कर रहे हैं? ये कौन सा गणित है? जिस वक्त अमृतपाल के घर जाकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भोजन कर रहे थे, तब उस वक्त मेरे जहन में एक सवाल आया। सवाल उस वक्त आया जब मैंने देश के मीडिया की उन सुर्खियों को देखा जिसमें कहा गया कि एक तरफ ओबीसी है, दूसरी तरफ कमंडल है, एक तरफ मंदिर का जिक्र हो रहा है और दूसरी तरफ ओबीसी जातियों को इकट्ठा करने में अखिलेश यादव, यानी कि सीधे तौर पर मंडल और कमंडल की। फिर मैंने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें 58 सीटों पर चुनाव होना है लेकिन 29 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन होगा। उसमें दिलचस्प बात क्या थी? राष्ट्रीय लोकदल को 19 सीटें मिली और 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने पास। इसमें से सपा ने कुल मिलाकर 6 मुस्लिम चेहरों को चुनावी रणनीति उतारा, 10 में से 6। और उससे भी दिलचस्प बात यह रही, जो जाट और मुस्लिम वोटर का जिक्र किया जाता है उसमें राष्ट्रीय लोकदल ने अपने 19 में से 3 मुस्लिम चेहरों को चुनावी रणनीति उतारा। अब सीधे तौर पर लड़ाई क्या वाकई जातियों के इर्द गिर्द घूम रही है, जातियों के इर्द गिर्द, या फिर घुमाने की कोशिश की जा रही है? मैं लगातार कह रहा हूं कि जो आप देख रहे हैं वो दिखाया जा रहा है, वही देख रहे हैं। सिक्के का दूसरा पहलू, मैं 100 की बात करूंगा, 80 और 20 की नहीं, ना 85 और 15 की बात करूं। मैं जिक्र करूंगा मंडल और कमंडल की लड़ाई का भी नहीं, मैं जिक्र करूंगा उस 100% बेरोजगारों का, 100% बेरोजगार। आप कहेंगे कि ये क्या हुआ, लड़ाई अभी बाकी है। मैं एक अहम सवाल आज उठाने वाला इस सियासी चर्चा में, जहां पर मथुरा, काशी, अयोध्या और फिर लड़ाई हिंदू और मुसलमान के इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश की है। जो दिखाया जा रहा है वो आप देख, जो तमाम चैनल्स जातियों के इर्द गिर्द पूरी सियासी लड़ाई को दिखा रहे हैं, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान,
लेकिन पहले दो बयान आपको सुनाता हूं जो आज चर्चा का विषय बने, अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जो झंडा बदार हो गए हैं बीजेपी के खिलाफ, चुनावी शंखनाद कर चुके हैं, अपने साथ बागियों का टोला लेकर आ रहे हैं, दल बदल का खेल चल रहा है, जातियों का खेल चल रहा है, गलत समझाया जा रहा है 80 और 20 का, 85 और 15 का। पहले ये सुनिए बयान और फिर उसके बाद वो चर्चा नहीं करूंगा जो पूरे देश में जातियों को लेकर हो, ना हिंदू मुसलमान, वो चर्चा जिसका बायकॉट लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया करता रहा, एक मुहिम एक एजेंडा, और उसी के तहत आज की चर्चा भी आगे जारी रखूंगा। लेकिन पहले ये जरा दो बयान। और हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है, वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए। इस साथियों, मैं आपसे आज ये अपील करने आया हूं कि आज मकर संक्रांति के दिन ये जो क्रांति का बिगुल बजाया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। साथ ही साथ हम मीडिया के साथियों के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, और मैं बड़े बड़े जो अपने को कोई चाणक्य कहता है, अपने को कोई महारथी कहता है, उनको भी कहते हैं, आपके पास जितने दांव हो लगा लो, लेकिन मैं आपको पटकनी जरूर दूंगा, आपको मिट्टी में मिला के रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके रहूंगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश को आपके शोषण से मुक्त कराने का वक्त आ गया है। इसलिए आज मैं श्री अखिलेश यादव जी को और आप सभी लोग जो प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, मकर संक्रांति के अवसर पर शुभकामना बधाई भी देता हूं। नए उल्लास, नए उत्साह, नए जोश के साथ अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का संकल्प लेकर के हमारे सभी नौजवान क्षेत्रों में जुड़ जाएं। 10 मार्च 2022 को जब परिणाम आवे तो उस परिणाम से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार बने और भाजपा पूरी पूरी तरीके से सफाया हो जाए। वार और पलटवार पर आ गई है, जातियों पर आ गई है। जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि कौन किस जात का है, और एक तरफ मंडल और समंडल की सियासत एक बार फिर से हवा देने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी, टॉपिक देनी है, ले लो गले के लिए। क्या बात है, ये अब लड़ाई जातियों के इर्द गिर्द होगी, झूठी ये है, या फिर जातियों के इर्द गिर्द लड़ाई को करने की कोशिश की जा रही है। सियासत के नजरिए से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। उन मेहमानों को इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे जो बताएंगे कि आखिरकार क्या लड़ाई। नहीं भाई रुक जाओ, सिर्फ मंडल और कमंडल की, ऐसे मत करो भाई। क्या मंडल और कमंडल की सियासत के इर्द-गिर्द पूरी की पूरी सियासी लड़ाई को लड़ा जाएगा? क्या हिंदुत्व बनाम मंडल ये लड़ाई होने जा रही है? दो अहम घटनाएं आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में घटी। दर्जन भर विधायक और 3 मंत्री अब तक बीजेपी का साथ छोड़ चुके।
तो चलिए सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आज के मेहमानों से आपका तारुफ करवा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त संजय त्यागी जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी का चेहरा है। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मेरे साथ मेरे मित्र और राजनीतिक विश्लेषक और बेबाक अपनी राय रखने के लिए जाने जाने वाले राहुल लाल जुड़ चुके हैं। राहुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे साथ लोकेश जी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस का चेहरा है। लोकेश जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लोकेश जी से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं क्या मान लूं कि लड़ाई मंडल बनाम कमंडल की हो रही है इस वक्त संजय त्यागी जी? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आज राजनीतिक चर्चा तो बाद में होगी, सबसे पहले मैं वर्ल्ड न्यूज चैनल को और खासकर आपको इस प्रोग्राम की जो आप इस डिबेट की एंकरिंग कर रहे हैं आपको भी पर्सनल बधाई देना चाहूंगा कि कम से कम आपने 100% की बात की है और यही हम चाहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास की बात करती है। यानी कि जो आज आपने कहा है ये कथन साबित हो चुका है कि देश वास्तव में यही चाहता है और आप इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने 100% की बात। संजय जी मैं जी। आपकी बात से सहमत हूँ और मैं चाहता हूँ कि बधाई मुझे असल में तब मिले जब मेरे कार्यक्रम के माध्यम से किसी एक युवा को नौकरी मिल जाए, किसी एक युवा। देखिए ऐसा हमारा न्यूज़पल इंडिया का एजेंडा है। मैं अब मुद्दे पे आता हूँ। आपने कहा ना सर मैं 80 और 20 की लड़ाई की बात ही नहीं कर रहा, मैं 85 और 15 की लड़ाई की बात, मैं 100 की बात कर रहा हूँ, 100%। आपका स्वागत है। मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा हूँ, ये फिर बात डबल इंजन की आपकी सरकार, आपने तमाम विकास के दावे किए, विकास करने की बात कही, तो फिर ये लड़ाई 80 और 20 पर क्यों आ जाए? देखिए ऐसा है, इस देश में और प्रदेश में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनकी जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, वो एक अपनी राजनीतिक दुकान को चला रहे हैं, जाति और धर्म और मजहब के नाम पर चलाते आ रहे हैं। पिछले 70 सालों से देश में यही हो रहा था। आदरणीय हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में आए तो उन्होंने इस मिथक को तोड़ने का काम किया, क्योंकि केंद्र की सारी, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी आज भी 80 और 20, योगी जी ने एक अपना एक संदेश देने की कोशिश की है, उन लोगों को सावधान किया है कि जो लोग बरगलाने, ऐसे लोग जो धर्म और जाति और संप्रदाय की राजनीति करते हैं उन लोगों से सतर्क रहने का एक उसमें छुपा हुआ संदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी के। एक मिनट अस्सी, कृपया मुझे पूरा करने दिया जाए जी। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने उस चीज को ऐसे लोगों से सतर्क करने का काम किया है कि जो लोग इस समय आप देख रहे हैं कि फिर मंडल की बात आ जाती है, मंडल कमंडल 80-20 नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मूल मंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन सबका साथ सबका विश्वास और सबके विकास की बात करता है। त्यागी जी 20 कौन? देखिए 20 वो लोग हैं इस देश में जो लोग जाति और धर्म और संप्रदाय के आधार पर समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। जाति धर्म और ऐसे लोग के नाम पर जहर घोलने का काम करते हैं। जहर ओके जी 20% ओके त्यागी जी, त्यागी जी आपने अपनी बात को रखा। मैं कीर्ति निधि जी, मैंने कहा कि आप लोग 80 और 20 की बात करिए, 85 और 15 की बात करिए, मैं आज 100 की बात करने आया हूं। 100 की जो 100% बेरोजगार युवा है मैं उनकी बात करने आया हूं आज। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, संजय जी ने कहा ना मैं आपको बधाई देता हूं, आपने उन युवाओं का जिक्र किया, मैंने कहा एक को नौकरी दीजिए आप लोग, अभी तो मैं असली मुद्दे पे आऊंगा, एक को भी नौकरी दीजिए तो मेरा एजेंडा, एजेंडा चलता है ना तमाम न्यूज चैनल्स में, इसको लड़वा दो उसको लड़वा दो, हिंदू मुसलमान जात पात ओबीसी, मेरा एजेंडा मैं खुल के बोलता हूं, बेरोजगारों की आवाज, युवाओं की आवाज, ये चलाता हूं एजेंडा मैं यहां पर, ये मेरा एजेंडा है, ये हमारा एजेंडा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का एजेंडा, बेरोजगारों का मंच है ये, बेरोजगारों का। अब मुझे ये बताइए, आपने कहा
कि 85 भाग हमारा है, 15 पर बंटवारा है। कीर्ति जी, 85 भाग हमारा है, 15 पर बंटवारा, आपने भी 85 और 15 कर दी। अब मुझे ये बताइए, आप उनसे पूछ रहे थे कि 20 कौन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये 15 कौन है। 15 वो लोग हैं जो इस उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल सरकार चलाए और बेरोजगारों के को लूटने का काम किया। 15% वो लोग हैं जो लोग बेरोजगारों के आवेदन तो लिए लेकिन सारे पर्चे लीक हो गए। 15% वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों का आरक्षण 69,000 शिक्षकों की भर्ती में खा गए। 15% वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षकों की भर्ती में SC ST का आरक्षण खा गए। 15% वो लोग हैं जो लोग महंगाई बढ़ाए। 15% वो लोग हैं जो इस देश के उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर वही बात, जात को आप कैसे अलग कर सकते हैं जब संविधान में जाति की व्यवस्था है। मैं बताता हूँ तिलक जी, नहीं तिलक जी, तिलक जी, जाति की व्यवस्था को आप कैसे खत्म कर सकते हैं इस देश में। मौर्य, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बेरोजगारों में आप तलाश लेंगे कि कौन किस जात का है, बेरोजगारों की संख्या में तलाश लेंगे कौन किस जात का है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर संविधान के अंदर जाति की व्यवस्था है तो उसको आप कैसे खत्म कर देंगे। अच्छा, कैसे खत्म कर देंगे? तो यानी आप ये कह रहे हैं ना कि जो जो पिछड़ों की बात करेगा, एक नारा था ना, जो पिछड़ों की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, दलितों के आरक्षण की सवाल है, वो पिछड़ों की बात करेगा वो लखनऊ पर राज करेगा। आप क्या कह रहे हैं? ब्लूटूथ भी हटा दिया, लेकिन आपकी ओर से कोई सॉन्ग, मैंने ये कहा जो महंगाई बढ़ाने वाले लोग हैं, जो बेरोजगारी बढ़ाने वाले लोग हैं, जो बेरोजगारों को लूटने वाले लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश की सरकार में आरक्षण को लूटने वाले लोग हैं, उनको हम बेदखल करेंगे। 15% वो है, वो है 15%। ओके ओके, राहुल लाल मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि जाति को कैसे अलग कर लोगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। जाति वो तो ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा, बिना ब्लूटूथ के भी नहीं आ रहा है। मैं ये मानता हूं, देश का सच है, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे इतना बताओ राहुल लाल, अगर आप बेरोजगारों की कतार में खड़े हो, मैं कैसे पहचान लूंगा कि राहुल लाल किस जात के? देखिए तिलक जी, मैं 80 और 20 पे जा ही नहीं रहा, मैं 85 और 15 पर जा ही नहीं रहा, मैं कैसे तलाश कर लूंगा कि राहुल लाल बेरोजगार है तो किस जात के है? तावला साहब, देखिए ये गंभीर मुद्दा आप बार बार उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हम लोग फुटेज देख रहे हैं कि जब पुलिस लाठी चार्ज कर रही है बेरोजगारों को, लगातार जो उनको पीटा जा रहा है, तो स्पष्ट है कि उसमें हर वर्ग और हर समुदाय के लोग हैं। क्योंकि जो इसमें बेरोजगारी की समस्या बड़ी अभूतपूर्व स्तर पे है, और इसको इसको लेके जो गंभीरता होनी चाहिए सरकारों, वो गंभीरता नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जब ये चीज कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, फिर आप 80 और 20 का रेशियो लेके कहां से आ जाते हैं? तो स्पष्ट है कि आपके सबके साथ में तो 100% आना चाहिए था, वो वहां पर भी नजर नहीं आता है। तो बेरोजगारी का समस्या है और इस समस्या से पूरा देश जूझ रहा है। अब बताइए लाठी चार्ज हो रहा है, गलत बात नहीं बोल रहा हूँ कीर्ति निधि जी, सुन तो लीजिए पहले आप ये बताइए, भाई आप क्या बताइए? बेरोजगारी की समस्या नहीं है, ये मामला आप लोग उठा भी रहे हैं, लेकिन हाँ जिस तरीके से उठाना चाहिए, अगर आप इसका खंडन कर रहे हैं तो ये तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है। बेरोजगारी का मामला डबल नहीं, डबल इंजन में, डबल इंजन में अगर बेरोजगारी का मामला होता है, कीर्ति नीति कितना अगले बात आप कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार का विफलता पे आपके विपक्ष की जिम्मेवारी होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। अरे भाई 69,000 शिक्षकों का भर्ती हुआ क्या है? हुआ ही करने का दिया सबके ऊपर, अगर देखे ना आप, देखिए पिछले भी शामिल है, सुन लीजिए सुन लीजिए, नहीं वो आवाज उठाइए, वो आवाज आप उठाइए, वो आवाज आप उठाइए, लेकिन लेकिन उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार जब अलग अलग सरकारी संस्थानों को प्राइवेट संस्थानों को बेच रही है, तो वैसे स्थिति में आप कौन सा आरक्षण लागू कीजिए और कौन सी सरकारी नौकरी दीजिएगा? समस्या बहुत बड़ा है, आपकी अर्थव्यवस्था की गति लगातार धीमे चल रही है, आपको उन मामलों पर भी सरकार को कीर्ति निधि जी घेरना पड़ेगा। आप बताइए इतना हमारे अर्थव्यवस्था की गति धीमी है, तमाम तरह की समस्याएं बनी हुई है, ये पहली बार हम लोग उस स्थिति से गुजर रहे हैं जिसको एक जिसको अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व स्थिति कहते हैं। बेरोजगारी का दर भी काफी ऊपर स्तर पर बना हुआ है, 7% से लगातार पिछले 3 महीने से अगर ICIC का IIME के आंकड़ों को देखते हैं तो 7% से ऊपर का लगातार जो कि बेरोजगारी दर 3 महीने से बना हुआ है।
तिलक साहब एक लाइन में पूरा कर दूं, और महंगाई का दर भाई आप देख लीजिए, महंगाई का दर अभी एनएसओ के आंकड़े आए वो भी पड़ गया। ये दोनों स्थितियां जब आएंगी तो आप अगर अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कीजिएगा, बेरोजगारी के मामलों पे अगर विपक्ष भी सरकार को नहीं घेरेगा, तो फिर तो बेरोजगारी की समस्या और गंभीर बनी हुई रहेगी। अगर बेरोजगारी के ऊपर सत्ता पक्ष भी बात ना करे, विपक्ष भी बात ना करे, तो फिर इसका समाधान कहां से निकलेगा, कोई बता दे हमें जरा। देश का एजेंडा है ना, जात में बांट दो, बात पर बांट दो। एक एजेंडा चला कि अयोध्या में चुनाव लड़ रहे हैं तो मंदिर में बांट दो, मंदिर में बांट दो। जो दिखाया जाता है वही देखा जाता है। त्यागी जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आ रहा हूं एक अहम विषय पर, जिस एजेंडे के साथ मैं आज आया हूं। देखिए ऐसा है, हमारे समाजवादी प्रवक्ता जो भाई कह रहे हैं, मैं इनके एक सवाल को जवाब दे देता हूं कि 2012 तक के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं। 2007 से लेकर 12 तक सरकारी नौकरियां विभिन्न संस्थानों में मिली 3.5 लाख। 2012 से लेकर 2017 तक सत्ता में ये नहीं, 2007 से 2012 तक 3.5 लाख, 2012 से 2017 तक यही सत्ता में थे जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इन्होंने नौकरियां देने का काम किया 4 लाख भारतीय। और इनके ये नौकरी कैसे देते थे सबको पता, पूरे प्रदेश को पता, पूरे देश को पता, बैठ करके एक कक्ष में जाति विशेष की लिस्ट टाइप हो जाया करती थी, और तमाम नौजवान, तमाम समुदाय, तमाम पिछड़ो की भर्ती का हक मारने का काम ये लोग करते थे। रही बात 2017 में हम सत्ता में आए, दो बिल्कुल बिल्कुल मैं जो कहने में कोई संकोच नहीं है, रही बात 2017 से और दो, एक मिनट सुनने की क्षमता रखिए। जब आप बीच में बोल रहे थे मैं नहीं बोला था, सुनने की क्षमता रखिए। इतने उतावले बतूए, सुनने की क्षमता रखिए। शोर मत मचाइए, ये देश और प्रदेश की जनता जागरूक है, आपके बहकावे में नहीं आने वाली। आप सुनने की क्षमता रखिए, आप सुनने की क्षमता रखिए, सेंस सीखिए। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है, लाल टोपी खतरे का निशान, यानी खतरा वही उधरता आप चैनल पर बैठकर मचा रहे हो। देश और प्रदेश की जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली। सुनने की क्षमता रखिए, शोर मत मचाइए, सुनने की क्षमता रखिए, शोर मत मचाइए, सुनने की क्षमता रखिए। मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, शोर मत मचाइए। गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी, देश और प्रदेश की जनता जागरूक है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सुनने की क्षमता रखिए। संजय जी मुद्दे पे, मेरी बात कंटिन्यू होने दीजिए कृति जी, मैं मुद्दे पे कह रहा हूँ कि 2012 से 2017 तक यही समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में सत्ता में थे, इन्होंने 3,75,000 ऑन रिकॉर्ड है आप निकालिए, 3,75,000 नौकरी देने का काम किया। 2017 से 2022 तक हम ही आए, ये समाजवादी शोर मचा रहे हैं आज, 4.5 लाख ऑन रिकॉर्ड है, 4.5 लाख नौकरियां, बेरोजगार नौजवानों को बिना जाति, बिना मजहब और बिना किसी भ्रष्टाचार के देने का काम किया है, भयमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया। आपके शासन में आप क्या देते थे उत्तर प्रदेश को, 35 से 40 दंगे एक एक साल में आप प्रदेश के अंदर कराते थे। प्रदेश की जनता जागरूक है, ये लोग आज भी आप 100% की बात कर रहे हैं, और आज भी ये जाति और मजहब की सांप्रदायिकता जहर से उबार नहीं पा रहे आपको। आप जाति की हकीकत बता रहे हैं, लेकिन फिर आप जाति का जनगणना भी नहीं करवाते क्यों? देखिए हमारी बात सुनो, हर विषय पे काम चल रहा है, जाति की जनगणना ये एक विषय है। अब हम दोबारा 10 मार्च को पता चल जाएगा, इनको पता चल जाएगा, कुछ आप पूरा किया, कुछ आगे हम पूरा करने जा रहे हैं। देखिए शोर ना मचाइए, आप बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। अगर हम झूठ बोल रहे तो आपने क्या किया? नहीं, जो आंकड़े मैंने अभी बेरोजगारी के आंकड़े दिए, इन पर आपका क्या कहना? आप बताइए, जो बेरोजगारी के आंकड़े मैंने दिए इन पर आपका क्या कहना है? जो बेरोजगारी अभी आप बेरोजगारी चिल्ला रहे थे, तो इन पर आपको क्या कहना है? आप बताइए ना, क्या ये सरकारी आंकड़े झूठे हैं? बताइए आप, बता रहा हूँ। अरे आपकी सुनने की क्षमता रखिए, आप बीच में बोलेंगे तो जवाब मिलेगा, बताइए आप। राहुल, आप तो बताइए, आप के पास आ रहा हूँ।
आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, एक सेकंड राहुल लाल। मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि जाति देश का सच है, मैं भी मानता हूँ जाति देश का। अब मैंने उनसे पूछा कि अगर जाति देश का सच है तो जाति का जनगणना ही करवा दो, जाति का जनगणना करवा दो। नहीं देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर तो बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए 2018 तक इन्होंने जातिगत जनगणना का बिल्कुल समर्थन किया कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमें अभी भी याद है चावला साहब की इस बार का सत्र जब पेगासस को लेकर धूल रहा था तब केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर एक तरह से संविधान संशोधन कराया कि राज्य सरकार अपने तरह से ओबीसियों को आरक्षण देने के लिए उसमें सूची बना सके। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी आप सूची बनाते हैं मामला हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहां पे उससे संबंधित आपके आंकड़े मांगे जाते हैं, और उन आंकड़ों को देने के लिए आवश्यक है कि जो पुरानी जातियां जिसको मिल रही थी उसकी क्या अब तक उसको कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, जो नया जाति है वो कितना पिछड़ा हुआ है। तो जब तक आप जनगणना नहीं कराएंगे तब तक फिर आपको आंकड़े कैसे मिलेंगे? तो ये तो बड़े तो ये जातिगत जनगणना तो होना चाहिए। अगर आरक्षण को हम लोग मानेंगे तो फिर जातिगत जनगणना बिना आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कीर्ति निधि जी, यानी आप यही कह रहे हैं ना, जो पिछड़ों की बात करेगा वो देश पर राज करेगा वो नारा था, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि जो पिछड़ों की बात करेगा वो लखनऊ पर राज करेगा, यूपी पर। मैं तिलक जी मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीना है वो दलित और पिछड़े मिलकर के भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनने का काम है। और ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं ये अपना संकल्प पत्र पढ़ के इनको आना चाहिए। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हर साल 7 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। 5 साल की सरकार पूरी करने के बाद 35 लाख नौजवानों को इनको रोजगार देना था सरकारी नौकरियों में। ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम 5 लाख नौजवानों को रोजगार दे पाए। 30 लाख नौजवानों को कहां से कौन रोजगार देगा? क्यों नहीं रोजगार दिया भारतीय जनता पार्टी ने? क्यों गुमराह किया उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अपने संकल्प पत्र के माध्यम से? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। ओके संजय जी, अपनी बात रखिए, फिर मैं आ रहा हूं विषय पर। जी कीर्ति जी, देखिए मैं हमारे जो कीर्ति जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई, देखिए भागने से काम नहीं चलेगा। ये कोई आइस पाइस का खेल नहीं चल रहा कि धप्पा लगाओ और जाकर के कहीं छुप जाओ, वो ये वो खेल नहीं चल रहा, क्योंकि प्रदेश और देश की जनता जागरूक है। मैं फिर दोबारा, इन्होंने पहले बात की, इन्होंने कहा कि भाई जाति एक सच्चाई है, जाति को आप नकार नहीं सकते। फिर इन्होंने कहा बेरोजगारी, दोनों सवालों के जवाब इन्हें मिल गए। अगर जाति का इतना ही मामला और पिछड़ों के ये इतने ही बड़े हिमायती हैं और पिछड़ों को जो गोलबंद कर रहे हैं, तो यही मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये अपने नेता से पूछ करके बता दें इस प्रदेश को और प्रदेश को बता दें कि जो पिछड़ों को आप लामबंद कर रहे हो और पिछड़े अन्य दलों के जो आपके सहयोगी लोग हैं, समाजवादी पार्टी का इतिहास उठा करके देख लो, पिछड़ों को अगर उत्तर प्रदेश में सीएम देने का काम किया था तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आप अपने परिवार से आज तक आगे नहीं बढ़ पाए, और अगर मैं कहता हूं चलो भूल सुधारने का आपके साथ मौका है, अन्य पिछड़े दलों के लोग भी आपके साथ में हैं, आप उनमें से किसी दल के मुखिया को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करके दिखाइए अगर आपकी नीयत साफ है तो। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, केवल ये दलित शोषित, संजय जी, संजय जी मेरा सवाल सुन लीजिए, जी राहुल लाल अगर मैं गलत हूंगा तो आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं संजय जी, कीर्ति निधि के सवाल का जवाब मत दीजिए, मत पड़िए उस चक्कर में, इससे ना आपको वोट घटेगा ना कम होगा ना बढ़ेगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि जो भी आप प्रकरण उठा रहे हैं कि देखिए आज ओबीसी के नेता वहां जाकर खड़े हो गए, उनके हम टिकट काट रहे थे, ये महत्वाकांक्षी है, जो भी है, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जिनको आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पालकी में घुमाते रहे ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरे के तौर पर, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाकर इनकी पार्टी को ज्वाइन कर दी। आप उनके सवालों का जवाब देंगे ना दारा सिंह चौहान के? जी देखिए ऐसा, दारा सिंह चौहान जी, मैं उनके बारे में, क्योंकि मुझसे बड़े हैं, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, चुनावी मौसम है और आपको पता है, आप भी जानते हैं, और देश और प्रदेश की जनता, मैं बार बार एक शब्द दोहरा रहा हूं कि देश और प्रदेश की जनता जागरूक है, उन्हें पता है कि ये बयान किस कारण से दिए गए, किस स्वार्थ से दिए गए, किस वजह से दिए गए। खारिज कर देंगे आप कीर्ति निधि को तो खारिज कर देंगे आप, लेकिन दारा सिंह चौहान को भी खारिज कर देंगे जिनको आपने पालकी पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक घुमाया? भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से लेकर के बूथ अध्यक्ष के कार्यकर्ता से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यकर्ताओं को पलक फावड़े बैठा करके सम्मान करती है।
कल तक वो हमारे साथ थे, हम उनका सम्मान था और हमारी परंपरा रही है, हम हमेशा सम्मान करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं बार बार कि देश और प्रदेश की जनता जानती है, भली भांति आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि चुनावी मौसम में इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप क्यों लगाए जाते हैं। हिंदुत्व नाम मंडल से क्या युवाओं बेरोजगारों का भला हो जाएगा? देखिए तिलक जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने महंगाई का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, और मैं आपको एक घटना बताऊं, जिस दिन इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, ये सुपर टेट के विद्यार्थी हो या जिनका आरक्षण नहीं मिल पाया वो विद्यार्थी हो, चाहे जो 108 एम्बुलेंस में नौकरी करने वाले बस चालक हो, एम्बुलेंस के चालक हो जिनको नौकरियों से निकाल दिया गया, ये तमाम बेरोजगार समाजवादी पार्टी के दफ्तर पे धरना दे रहे थे और इस उम्मीद और भरोसे से धरना दे रहे थे उस दिन कि अखिलेश यादव जी एक बार उनको ये कह दें कि आप घरों को जाओ और हम सरकार में आएंगे तो आपकी नियुक्ति करेंगे, और आप भरोसा मानिए कि उस दिन से वो नौजवान जिनको आश्वासन मिला अखिलेश यादव जी का, वो सब इस बात की दुहाई देकर के गए कि अखिलेश यादव जी भविष्य में सरकार बनाने जा रहे हैं और सरकार बनेगी तो हम लोगों की समस्या का समाधान। जिस कोरोना काल मैं उम्मीद करूंगा आप अपनी बात पर कायम रहेगा, मैंने नोट कर लिया आपकी बात। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रश्न लेकर आने वाला हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के साथी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन जाए, जो मैं प्रश्न लेकर आना चाह रहा हूं क्योंकि उसका मूलतः असर तभी निकल पाएगा जब कांग्रेस के साथी बीजेपी के साथी और समाजवादी पार्टी के साथी एक ही मंच पर हो, जो कि वो प्रश्न हटकर है। मैं जातियों में पढ़ना ही नहीं चाह रहा। राहुल लाल, क्या देश के भीतर मंदिर या बेरोजगारी क्या बड़ा विषय होना चाहिए उत्तर प्रदेश की सियासत से? नहीं, उत्तर प्रदेश से कहीं के भी सियासत में बेरोजगारी एक तरह से वो बहुत बड़ा मामला है, वो मामला होना चाहिए। देखिए धर्म एक अच्छी चीज है, लेकिन धर्म का हम गलत बोल रहे हैं। नहीं नहीं, बेरोजगारी का मामला होना चाहिए। बड़े बड़े पत्रकार, मेरे देश की मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार, सूबे के मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे, वो देश का सबसे बड़ा विषय बन जाता है। देखिए इसी कारण विषय बन जाता है कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो अवध और पूर्वांचल पर क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा होती है हमारे चावला साहब। इसी कारण से उस मुख्य मीडिया पे काफी ज्यादा संख्या में लोगों का पहले जो भरोसा होता था वो भरोसा नहीं है, वो भरोसा इन्हीं कारण से उन लोगों ने गवाया है। जो देखिए जनता के मूलभूत मुद्दों को जिस तरह से आप उठा रहे हैं यही चीज है, और जनता अगर आप किसी आप फील्ड में जाइए, हम लोग जब जाते हैं तो अभी भी वहां पे लोग अपने अपने मुद्दे लेकर ही घूम रहे हैं कि भाई हमारे क्या रोजी रोटी से संबंधित क्या मामले, रोजगार के क्या मामले, महंगाई के क्या मामले, इन्हीं मामलों को लेकर वो चल रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठीक है, हो रहा है वो निर्माण, अब तो वो हो ही रहा है। अब उसके बाद आप फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो मथुरा भी जाएंगे, हम अब यहाँ भी जाएंगे, हम वहां भी जाएंगे, तो फिर जो मूलभूत मुद्दा है इसको कौन उठाएगा? तो ये जब कोई भी पार्टी जब संकट में होती है उनको लगता है कि शायद हमने उस रूप में काम नहीं किया, तो वो स्पष्ट है कि ध्रुवीकरण। बताऊंगा कि कैसे उठेगा ये मुद्दा, मैं बताऊंगा कीर्ति जी, थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन कड़वा सच बताऊंगा। आपने कहा ना कि जाति देश की सच्चाई है, मानता हूं, लेकिन मैं 85 और 15 की बात ही नहीं करूंगा, मैं 100 की बात करूंगा, 100 की ना, मैं 80 और 20 की बात करूंगा, मैं करूंगा 100% बेरोजगारों की, अभी आगे करूंगा एजेंडे पे। लोकेश जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? नमस्कार जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। लोकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़वर्ल्ड इंडिया में जी। धन्यवाद धन्यवाद लोकेश जी। 80 और 20 की लड़ाई की बात हो रही थी अभी, मैंने इनसे भी पूछा क्योंकि जो 80 और 20 की लड़ाई की बात कर रहे थे, मैंने 80 पूछ लिया और 20 भी पूछ लिया। मैंने जी समाजवादी पार्टी वालों से भी पूछ लिया जो आज कह रहे थे कि 85 और 15 की लड़ाई है, 85 भाग हमारा और 15 में भी बंटवारा, ये 80 और 20 की लड़ाई और 85 और 15 की लड़ाई से क्या बेरोजगारों का भला हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा जी। देखिए सबसे पहले हमें जो भाजपा का मॉडल है ये समझना बहुत जरूरी है। भाजपा का जो मॉडल है ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस के ऊपर आधारित है। इसका मतलब क्या है कि आप जितना हो सकता है जात के आधार पर डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस लेकर आइए, ताकि उसके बाद बेरोजगारी बढ़ेगी और लोगों में उग्रवाद बढ़ेगा, और उग्रवाद बढ़ने के बाद में ही इनकी जो जात पात पे तोड़ने और विभाजित करने की जो स्ट्रैटेजी है ये वर्क करेगी। इनका मंदिर बनाना एक तरह का एजेंडा है कि पहले हम बेरोजगारी लेकर आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे,
हम उसके बाद में बहुत ज्यादा गरीबी लेकर आएंगे, और जब इतना डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस होगा तब लोगों का क्राइम रेट बढ़ेगा। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए 2020 की, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम हुआ है। ये क्या करते हैं, जितना भी आंकड़ा आता है इसको मैनिपुलेट करके ये शो करते कि सुशासन हो रहा है, लेकिन सुशासन नहीं हो रहा है। ये दरअसल जितना ज्यादा इनजस्टिस कर सकते हैं उतना इनजस्टिस कर रहे हैं ताकि इनका पोलराइजेशन और बढ़े। जी लोकेश जी, ये बहुत अच्छी बात हो गई। संजय त्यागी जी जी और कीर्ति जी, राहुल लाल, एक बहुत अच्छी बात हो गई। पता क्या, आज पैनल में माफ करिएगा आप सब लोग, बुद्धिजीवी के साथ पढ़े लिखे लोग बैठ गए, बुद्धिजीवी के साथ पढ़े लिखे लोग बैठ गए। और आज मेरे सवाल जो मैं उठाने वाला हूं, अब उसका मर्म सर दिएगा अगर मैं गलत हूंगा। लोकेश भाई, संजय जी और कीर्ति जी, आप लोग कहिएगा तिलक चावला तुम गलत हो, डिबेट को यही खत्म करो, मैं खत्म कर दूंगा। मैं तो लोकेश भाई का इंतजार कर रहा और बहुत अच्छी बात लगी मेरे को, पढ़े लिखे व्यक्ति। धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है चुनाव के लिए, है संजय जी? है जी, है सर। लोकेश भाई है जी, बिल्कुल है जी, है। कीर्ति जी है जी, कीर्ति जी है ना जी जी। राहुल भाई है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे प्रश्न को जरा गहराई से समझिएगा, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव के लिए हो सकता है, मैंने कहा ना मैं 80 और 20 की और 85 और 15 की लड़ाई में नहीं पड़ूंगा, मैं 100% की बात करूं। जब हमारे देश में चुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है, संजय जी, कीर्ति जी, लोकेश भाई, तो एक काम करिए ना कि एग्जाम के लिए एक मॉडल कोड ऑफ एग्जाम बना दी, मॉडल कोड ऑफ एग्जाम बना दीजिए, ना जात पर ना पात पर, मॉडल कोड ऑफ एग्जाम क्या करेगा? जैसे आप लोग तय समय पर अधिसूचना जारी होती है, तय समय पर चुनाव होता है, तय समय पर रिजल्ट जारी होते हैं कि 10 तारीख को सूबे में, देश के सबसे बड़े सूबे में रिजल्ट जारी, ये मॉडल कोड ऑफ एग्जाम तय समय में एग्जाम होंगे, तय समय में अधिसूचना जारी होगी, विज्ञापन जारी होंगे, विज्ञप्ति जारी होगी, और फिर उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया 9 महीने में हम पूरी कर देंगे। ये हो गया आपका सीधे तौर पर मॉडल कोड ऑफ एग्जाम, ना जात पर ना पात पर, 80 और 20 नहीं, 85 और 15 नहीं, ये 100% की बात। अब बोलिए संजय त्यागी जी, संभव है? बिल्कुल संभव है, और बहुत एक अच्छा सुझाव आज आपने इस डिबेट के दौरान दिया है, और स्वागत योग्य ये आपका सुझाव है। भारतीय जनता पार्टी आपके सुझाव का स्वागत करती है, और आगामी जब हम दोबारा प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, तो खुले तौर पर बोल रहा हूँ, इंप्लीमेंट करिए, ये जात पात की और 80-20 की लड़ाई खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, और भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में है। और देखिए, हम 2017 में आए हैं 14 वर्षों बाद, और 2017 के बाद अब 2022 में जब हम दोबारा आएंगे होगा, तो प्रयास रहेगा, बिल्कुल हम पूर्णतः समर्थन कर पाएंगे, बिल्कुल बहुत हिम्मत चाहिए, कोशिश प्रयास इंप्लीमेंट करेंगे। आपसे हम कहते हैं ये कदम स्वागत योग्य है। नहीं, गलत नहीं, तिलक जी आपका सुझाव एकदम सही है। और एक बात मैं इसमें और संशोधित करना चाहता हूं कि जो भी संकल्प पत्र या घोषणा पत्र पार्टियां जारी करती है उस पर भी एक पाबंदी होनी चाहिए कि जो भी कमिटमेंट हो पब्लिक के साथ, बेरोजगारों के साथ, नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, उसका भी पूरा पूरा इम्प्लीमेंट होना हो, वही कमिटमेंट पब्लिक के साथ हो। इसका बताऊं, इसका रास्ता भी बता देता हूं, वो भी सुझाव ले लीजिए। जिस दिन संजय त्यागी जी, कीर्ति निधि जी, लोकेश भाई, आप लोग अपना संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, विजन डॉक्यूमेंट जो भी बनाते हैं, कोर्ट में दाखिल कर दीजिए अध्यक्ष के हस्ताक्षर के साथ एफिडेविट, बोलिए अगर इतने समय तक हम अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाए तो मुकदमा कर देना। रोज रोज गारंटी के साथ कह रहा हूं,
500 नोटिस 1000 नोटिस आएंगे आप लोगों के पास, कर पाएंगे? बोलिए। नहीं बिल्कुल होना चाहिए, इन सब चीजों पे सुधार की जरूरत भी है, बेरोजगारों को रोजगार देने की जरूरत है। जो आप मुद्दे पे आइए लोकेश जी, मॉडल कोड ऑफ एग्जाम, गलत बोला जी, मॉडल कोड ऑफ एग्जाम आपने एक बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही बढ़िया एक मुद्दा उठाया है। देखिए अगर हम कॉम्पिटिटिव मॉडल कोड ऑफ एग्जाम की बात करते हैं, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। दरअसल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और ये एग्जाम प्रक्रिया थी, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का, यार ये हमारा जिसे ब्रिटिश जो है वो अपनाते थे, और उसके बाद में ये खत्म हो गया है। हेलो मेरी आवाज आ रही है? अपनी बात जी। तो 1950 के बाद में जब माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने एक इनोवेटिव रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, तो उनका एक ही मुद्दा था कि सभी जात सभी धर्म इसको हटा दिया जाए, केवल एक आइडेंटिटी हो इंडियननेस की, केवल एक आइडेंटिटी हो इंडिया, ना तो कोई जात के ऊपर विभाजित रहेगा, ना किसी भी तरह से इसका विभाजन नहीं किया जाएगा। लेकिन जब 1977 के अंदर जनता पार्टी आती है तो उसने मंडल कमीशन का गठन किया, और जिस मंडल कमीशन मैं उस विषय में जाऊंगा तो बहस भटक जाएगी। राजीव गांधी ने क्या कहा क्या किया था वो मैं उस विषय में नहीं जाना चाह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग मॉडल कोड ऑफ एग्जाम क्यों नहीं लाते? सर मॉडल कोड ऑफ एग्जाम बिल्कुल लाना जी मॉडल कोड ऑफ एग्जाम बिल्कुल लाया जाना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं कि वे दरअसल बहुत बार जो ऑफिसर्स हैं वो वीआरएस ले लेते हैं, बहुत बार सीटिंग्स को लेके फेर बदल होता रहता है। यही तो मंशा है, इसलिए तो होता है 80 और 20, 85 और 15। चावला जी देखिये ये बिल्कुल संभव है और बिल्कुल हो सकता है, यही ब्यूरोक्रेसी इसको लागू कर सकती है। देखिये आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देखिए, वो एक साल पहले पूरा का पूरा एग्जामिनेशन का पूरा शेड्यूल जारी कर देता है कि हम इस दिन जो है कि हम विज्ञापन निकालेंगे, इस तिथि को हम एग्जामिनेशन लेंगे, और लगभग लगभग इस समय हम उसके परीक्षा एक तरह से क्या रिजल्ट कब आना है। तो ये हमारे यहाँ पे अगर एक संस्था ऐसा कर सकती है तो दूसरी संस्थाएं भी कर सकती है। आप देखिए यहाँ पे बार बार ये मामला उठाया जा रहा है कि भाई उसमें रिजर्वेशन, ठीक है रिजर्वेशन के लिए आप पॉलिसी बनाइए। और मैं सुन लीजिए एक मिनट अमित साहब, जरा समय पूरा, मैं कह रहा हूँ कि देखिए इस समय जो तमाम चीजें हैं कि आप संविधान के नियमों के अनुसार, देखिए संविधान में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था संविधान के तहत है, एससी एसटी आरक्षण की व्यवस्था है, तो जो संविधान कह रहा है पहले उन सब चीजों को लेके किसी भी वर्ग के अधिकार को आप हनन भी मत कीजिए, वो सारी व्यवस्थाएं भी कर लीजिए। और नियमित तौर पर परीक्षाएं बिल्कुल हो सकती है, एक संस्था करा सकती है तो देश के बाकी संस्थाएं भी करा सकती है। तिलक सर आप ही के कार्यक्रम में मैं था, आपने पिछले कार्यक्रम में डिबेट में था, बता भी रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के 2017 के संकल्प पत्र में था कि वो कितने एक मिनिमम एक फिक्स टाइम में वो जरूर जो है कि नियुक्तियों को पूरा कर देंगे। तो चाहे तो अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो क्यों नहीं पूरा होगा, हालांकि उन्होंने नहीं पूरा किया। तो एक संस्था अगर पूरा कर सकती है तो दूसरी संस्थाएं भी पूरा कर सकती है। लेकिन आपके पास आप क्या इस चीज को करना चाहते हैं, क्या युवा बेरोजगार आपके प्राथमिकता में है? सबसे बड़ी बात यह है प्राथमिकता में तो चीजें हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और एक कुछ संस्थाएं कर भी रही है। जी बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बिल्कुल इन्होंने सही बात कही है कि जब सरकार अनएम्प्लॉयमेंट को ज्यादा महत्व देगी और डेवलपमेंट को ज्यादा महत्व देगी तभी इन मुद्दों के ऊपर रोशनी डाली जा सकती है, जो भी चैलेंजेस आएंगे उन्हें डील किया जा सकता है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ और इस पर जो पहल की जानी चाहिए, जैसा जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जिस तरह से हमारे प्रियंका गांधी जी ने मुहिम छेड़ी है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसका बेसिक मतलब इसका बेसिक मकसद ही यही है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है जैसे विमेन है वो 50% कॉन्स्टिट्यूट करती है वो टोटल डेमोग्राफी के ऊपर, अगर इन्हें एम्पावर किया जाए, इन्हें और एम्बोल्डन किया जाए, ये ना केवल स्पर्धात्मक परीक्षा में ज्यादा उत्तीर्ण होंगी, इनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तभी इनका अपलिफ्टमेंट हो पाएगा। बिल्कुल मैं सहमत हूं और ये जरूर किया जाना चाहिए। कीर्ति जी जी आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहा हूं ना मैं सबके लिए, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आउट ऑफ सिलेबस क्यों है? हमारे देश के भीतर सबसे बोरिंग मुद्दा है बेरोजगारी, सबसे बोरिंग मुद्दा है रोजगार, वरना फिर मेरे साथी बैठकर रोज हिंदू मुसलमान थोड़ी ना करते है ना, वो जानते हैं कि सबसे बोरिंग टॉपिक है बेरोजगारी। बेरोजगारी करेंगे तो लोग देखेंगे कब, बहुत कम लोग उस चर्चा में शामिल होंगे। लड़वा दो टकरा दो भिड़वा दो, कोई हिंदू की बात करे कोई मुसलमान की कोई 85 की कोई 15 की, मैं कह रहा हूं 100 की बात कर लो ना,
100 की बात कर लो, अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लो, बस बात खत्म। इस पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा सर। मैं फिर आंकड़ों पर आ रहा हूँ। कीर्ति जी अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं संजय जी के साथ आंकड़ों पर आऊंगा। देखिए तिलक जी, मैं इस बात से आपके पूरी तरह सहमत हूँ कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मॉडल कोड ऑफ एग्जाम होना चाहिए, उसकी व्यवस्था बननी चाहिए। अगर कोई परीक्षा इस देश में टाइमली हो सकती है तो बेरोजगारों के रोजगार की परीक्षाएं भी टाइमली हो सकती है और एक ही संस्था करा सकती है, मेरा सहमत। और निश्चित रूप से इसमें कोई दोहरा नहीं कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है और निश्चित रूप से वो सारी परीक्षाएं समय से हो सकती है और बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है, इसमें कोई दोहरा नहीं। बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है, अगर आप लोग चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ताकत सत्ता के हाथ में होती है और बदलाव आप लोग ही कर सकते हैं, बशर्ते आप लोग भटके नहीं या भटकाने की कोशिश करने वालों को भी रास्ते पर ले आए। राहुल लाल जल्दी से कमेंट करिए और फिर मैं संजय त्यागी जी से मैं फिर अहम सवाल उठा रहा हूं एक और। चावला साहब देखिए, आपके बात में चीज में जोड़ रहा हूं कि देखिए ये मामला केवल बेरोजगारी दूर करने का नहीं है। जो आपने मॉडल कोड ऑफ एग्जामिनेशन का जो सुझाव दिया है, ये केवल बेरोजगारी दूर नहीं करेगा। देखिए देश की जो युवा प्रतिभा है, तो जो बेरोजगारी का सामना कर रही है, उसको रोजगार मिलेगा और हमारे हमारे सिस्टम के एफिशिएंसी में वृद्धि होगा। आप देखिए कि अगर इतने लाखों लाख पद अगर हमारे सिस्टम में खाली पड़े हुए हैं, योग्य लोग बाहर जो है कि सड़क पर लाठी डंडा खा रहे हैं, तो हमारा सिस्टम कैसे काम करेगा? तो आपके उसके एफिशिएंसी में भी काफी जबरदस्त वृद्धि करेगा, तो इसके कई गुणात्मक परिणाम दिखेंगे आपको। बहुत सही बात कही संजय जी, मेरा ऑडियो आ रहा है सर आपको? जी बिल्कुल आ रहा है, थोड़ी तकनीकी कमी हो गई थी। हाँ, वो मैं समझ गया, मैं जानता हूँ आप भागने वालों में से नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, सैल्यूट कर रहा हूँ मैं आपको। मैं एक और अहम विषय पर आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि मॉडल कोड ऑफ एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, बहस नहीं। बहस कर रहा होता तो कीर्ति जी और आपको छोड़ देता, एक विंडो बना देता बीच में वर्सेस लगा के और कहता कि लड़ लो, टकरा दो, भिड़ा दो, वो काम नहीं करता। मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, अब आप लोग चुनाव में जा रहे हैं, ठीक है, लोकेश भाई भी जा रहे हैं, कीर्ति जी भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, कोई लाल टोपी पहन के जाएगा, कोई भगवा जैसे आपने डाला हुआ है, और लोकेश भाई जाएंगे हाथ का सिंबल। भगवा भगवा तो हमारा अस्तित्व है, इस हिंदुस्तान की पहचान है सर। है, लेकिन मैं एक और असली पहचान बता रहा हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात करता हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे कि जब आप जनता के बीच में जाएंगे, संजय जी आपने कहा कि हमने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, मैं तभी बोल रहा था कि आप विभाग अनुसार एक सूची जारी कर दीजिए, रैंडमली चेक कर लेंगे किस विभाग में किसको मिला और किसको नहीं मिला, नंबर के साथ, नाम के साथ और विभाग अनुसार। खैर वो रात गई बात गई, लेकिन अब मैं आपसे एक और सुझाव पूछ रहा हूं कि अगर आप ये कहते हैं कोई भी, कीर्ति जी भी जा रहे हैं लाल टोपी लगा के, लोकेश भाई भी जा रहे हैं हाथ का सिंबल लगा के, और आपने भी जो लगा रहे, आपसे अगर ये पूछा जाए कि 3.5 लाख पद शिक्षकों के खाली रह गए, आपने भरे क्यों नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? देखिए ऐसा है, मैंने अभी आपको पूर्व में भी इस सवाल का जवाब दिया कि लगभग 4.5 लाख, देखिए जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो क्या रहा था, इस सवाल को के लिए आपको मुझे थोड़ा, इस सवाल के जवाब के लिए आपको थोड़ा सा समय मुझे देना होगा। 3.5 लाख उत्तर प्रदेश के अंदर खाली है कि नहीं है? 3.5 लाख पद शिक्षकों के खाली है कि नहीं? देख समय अनुसार उनकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, आज अब बीच में चुनाव आ गए, अधिसूचना लग गई, तो इस चुनाव भी जरूरी है। रही बात ये कि हम तो नहीं कर पाए, लगातार हमने बीच में शिक्षकों की भर्तियां भी की है, पूर्व में ये लोग जो अधूरी प्रक्रिया छोड़ गए थे उनको भी हमने पूर्ण करने का काम किया, लगातार हम उस पर काम कर रहे थे। अब एक समय अनुसार का जिक्र किया था आपके संकल्प पत्र में था कि 90 दिनों में नियुक्तियां पूरी करेंगे, मैं गलत हूँ? देखिए पूर्व की जो ये लोग सपा और बसपा की सरकारें जो अधूरे काम बीच में छोड़ गई थी नियुक्तियों से संबंधित, हमने उनको पूर्ण करने का काम किया, आगे से फ्रेश हमें नई अधिसूचना जारी की थी, रिक्तियां निकाली थी, लेकिन बीच में चुनाव आ गए। 3.5 लाख सरकारी जी, आप 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति आप नहीं कर पाए, आपने 90 दिन में नियुक्ति पूरी करने का,
अब मैं एक और आंकड़ा बता रहा हूँ, चावला 5 लाख से, 5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं इस वक्त, 5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ? देखिए एक चयन की एक प्रक्रिया होती है, संबंधित विभाग रिकमेंडेशन करके उसको भेजता है, वहां से मंजूरी होती है, इस सब में एक समय लगता है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप कोड ऑफ एग्जाम क्यों नहीं ले आते? आप कोड ऑफ एग्जाम ले आइए ना, आप भी अपने चुनाव के लिए करते ना कि भैया ये तय समय पर पूछा भी जारी हो जाती है, तय समय पर तारीख भी जारी हो जाती है, तय समय पर रिजल्ट भी जारी हो जाते हैं, इनके लिए भी करिए ना, बेरोजगारों के लिए। आपने जैसे ही ये सुझाव दिया, बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है, और आने वाले 2022 के बाद में 10 मार्च को जब हम शपथ लेंगे तो इस पे प्राथमिकता के आधार पर इस पर काम किया जाए। 5 लाख से ज्यादा पद खाली है, क्या बोलेंगे जनता को? देखिए हम बताएंगे ना, हमने अभी आपको बताया 2007 से लेकर 2012 में, 2007 से 2012 तक बसपा की सरकार थी, 2012 से 17 तक सपा की सरकार थी, 2017 से 22 तक हम आए, हमने इन दोनों दलों से इनके अधूरे कामों को भी पूर्ण किया और इन दोनों दलों से ज्यादा नौकरियां देने का काम किया, 4.5 लाख रिकॉर्ड नौकरियां माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में दी गई है, और जो कमियां रह गई हैं, शिक्षक बेरोजगार थे, मैं ये पूछ रहा हूँ 5 लाख से ज्यादा हमारे लिए एक एक बेरोजगार मायने रखता है, समय अनुसार जितना हम काम कर सके किया, और उसके आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के जो भी हमारे भाई बेरोजगार रह गए हैं, चयन प्रक्रिया आधी रह गई है, उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। हमारे लिए भी डेडलाइन है, इनके लिए भी डेडलाइन होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल डेडलाइन हर हालत में होना चाहिए, मैंने वही तो कह रहा हूँ कि संकल्प पत्र में अगर वर्णन था कि भाई हम 3 महीने में नियुक्ति पूरा कर लेंगे, 3 महीने में नहीं, आप 6 महीने में ही करते, 7 महीने में ही करते, तो चूंकि देखिए इन मामलों को लेके जो गंभीरता होनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो सीरियसनेस नहीं है। आपके एजेंडे में कुछ दूसरे मामले हैं कि आप अगर आप देख लीजिए, इन्होंने अगर चाहा तो दूसरे कई प्रोजेक्ट जो इनके थे, जो चाहा उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं था, इसलिए बार बार जो ये जो मुद्दा आपने उठाया है कि मॉडल कोड ऑफ एग्जामिनेशन ये एक होना चाहिए, और सभी पार्टियों को जनता को भी जन दबाव बनाना चाहिए, जन समर्थन भी देना चाहिए इस मामलों को लेकर, कि युवाओं के साथ संपूर्ण समाज भी खड़ा रहे कि आखिर किस तरह से तमाम पार्टियों के ऊपर कैसे दबाव बने, क्योंकि देखिए ये छात्रों का भी मामला है। आप हम लोग कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो गया भाई, हमारी प्रतिभा का पलायन हो जाता है, देश में नहीं होता, जब देश में हम प्रतिभा को उचित सम्मान नहीं देंगे तो फिर जिनके पास मौका मिलता है विदेश चले जाते हैं। जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हेलो जी, बोलिए लोकेश जी। जी जी, देखिए सबसे पहले आपका जो मुद्दा है मॉडल कोड ऑफ एग्जामिनेशन का, ये अनएम्प्लॉयमेंट से कम जस्टिस से रिलेटेड ज्यादा है, क्योंकि देखिए हर साल जो नोटिफिकेशन आता है और वैकेंसीज निकलती हैं वो कुछ हंड्रेड्स में होती हैं, और उसके बाद में एक साल की प्रक्रिया होती है जिसके बाद में एक काफी एग्जॉस्टिव प्रोसेस होता है, और इसके कारण कई बार स्टूडेंट्स जो है अपनी एक्टिव लाइफ से जो प्रिपरेशन के लिए टाइम लेते हैं वो भी एक कारण बन जाता है उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट नौकरी मिलती है होने का। तो सर मैं आई जस्ट कमिंग टू दैट, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है इसको उत्तर प्रदेश के प्रशासन को एक अलग ढंग से लेना पड़ेगा। अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो वह कृषि प्रधान राज्य है, और कृषि जो है अगर उसमें प्रगतिशील रहेगी तो लोगों के पास बेरोजगार भी होगा। अब हम अगर हम चाइना मॉडल की बात करते हैं 1978 से लेके 1985 तक, मुझे समझा गया कि जाति प्रधान है, आप कह रहे हैं कृषि प्रधान है, जाति प्रधान देश है हमारा। मैं उनकी बात नहीं करूंगा, आप समझिए मेरी बात को, कि चाइना ने 1978 से 1985 तक अपनी एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 14% की, जिसके बाद में उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस वक्त एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा, मैं दो मिनट आता हूँ, बहुत कम है, दो मिनट, मैं फाइनल कमेंट देना चाह रहा हूँ संजय जी का, मैं प्लीज प्लीज प्लीज, मैं 100% आप बहुत अच्छा बोलते हैं, और मैं चाहूंगा कि ऐसे मंच पर जो है ना आप जैसे प्रवक्ताओं को आना चाहिए, संजय जी जैसे प्रवक्ताओं को आना चाहिए, ताकि हम जो चर्चा है वो हिंदू मुसलमान के इर्द-गिर्द घुमाए नहीं, हम तो सिर्फ इंसानियत के इर्द-गिर्द घुमाए। रोज हिंदू मुसलमान होता नहीं होता, पूछिए इनसे, रोज होता है, बिल्कुल सच्चाई है, मुख्य मीडिया बिल्कुल उसी मामले को लेकर बैठा हुआ होता है, सच्चाई वाली बात है,
लेकिन एक चीज में चावला साहब का एक लाइन में कहूंगा कि देखिए आपको ग्रोथ रेट भी बढ़ाना पड़ेगा। 1.95% का उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट ट्रैक आप कहां से इसमें जो है, अगर आप सरकारी क्षेत्र से इधर भी आप अगर रोजगार खोजेंगे तो भी संभव नहीं है पुरानी। राइट राइट, अब मैं आ रहा हूं संजय जी फाइनल कमेंट पर। आप मथुरा काशी की बात करेंगे जी, आप अयोध्या की बात करेंगे और वो लाल टोपी वाले पाकिस्तान की बात भी कर लेंगे और जिन्ना की बात भी कर लेंगे। ठीक है सर, कोई पाकिस्तान और जिन्ना की बात करेगा, कोई मथुरा काशी की बात करेगा, और वही युवा आपसे पूछेंगे कि लखनऊ की लाठी की भी बात कर लो, फिर क्या करेंगे? देखिए मैं केवल फाइनल आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म जाति मजहब की कभी राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। इस पर हमने काम किया। आप की बात करोगे? देखिए मैं आपसे आपके माध्यम से मैं केवल हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता भाई बैठे हैं मैं केवल इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से मेरा एक सवाल है, मुझे मौका दे दीजिए आधे मिनट का, कि क्या ये पिछड़ों के नाम पर जो मैंने बीच में इनसे सवाल किया कि सवाल के जवाब से भागना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पिछड़ों के नाम की गोलबंदी जो ये प्रदेश के अंदर कर रहे हैं क्या किसी दूसरे दल के पिछड़े मुखिया को ये मुख्यमंत्री 80 और 20 की बात क्यों करते हैं? सीधा 100 की बात करिए, मैं 100 की बात कर रहा हूं सर। मेरे को सपा और कांग्रेस और बीजेपी सब तराजू में एक बराबर है, वक्त की इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल लाल आपका भी, लोकेश भाई आपका भी, और कीर्ति जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा थे वो भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कोई भी आए वोट मांगने उनसे पूछ लेना कि ये बताओ कि हमारे बच्चों को और जो युवा है वो ये जरूर पूछ लेना कि कितना रोजगार दोगे और कब दोगे और कैसे दोगे, ये तीन सवाल पूछ लेना और बोलना टाइम बोर्ड फिक्स होते हैं ना आपके, समय पर चुनाव, समय पर अधिसूचना, सब कुछ समय पर होता है तो नौकरी भी समय पर मिलनी चाहिए, एग्जाम भी समय पर होनी चाहिए। 80 और 20 की नहीं, 85 और 15 का नहीं, यहां 100 की बात है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।